Hello everyone, welcome back to the channel and it's me Tamanna. So like in last class we have completed our chapter temple sculpture. So today we are going to complete our chapter Indian bronze sculptures, and we're going to complete this chapter in one shot. So yeah, let's get started. So if we talk about the Indian bronze sculptures, so they are from Indus Valley civilization, जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के स्कल्पचर्स को फाउंड किया था, जैसे कि डांसिंग गर्ल, चैरियट और बुल, है ना। दिस शोज़ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स थे वो ब्रॉन्ज से बने हुए थे, उसमें कास्टिंग का यूज़ किया गया था और मेटल्स को मेल्ट करके जो है स्कल्पचर्स को फॉर्म किया गया था। एंड तब से लेके अभी तक जो मेटल को मेल्ट करके और मेटल कास्टिंग वाली प्रोसेस है उससे हम लोग जो है बनाते हैं ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आर स्टैचूज ऑफ बुद्धा, हिंदू एंड जैन आइकन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डेटिंग बैक फ्रॉम 2nd century। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स अलग अलग रिलीजन के होते थे, पर्टिकुलरली बुद्ध, हिंदू एंड जैनिज्म रिलीजन के, जो कि हमें 2nd century से मिलने स्टार्ट हुए हैं। एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को वो किया था, डिस्कवर किया था इन अहमदाबाद महाराष्ट्र में इन 1500 BCE में, है ना। देन दिस इज़ अ चैरियट, द व्हील्स ऑफ विच आर रिप्रेजेंटेड इन सिमिलर सिंपल सर्कुलर शेप्स, while the driven of human rider has been elongated, the bulls in the forefront are modeled in sturdy forms। ठीक है, ये है chariot of अहमदाबाद, a site of Indus Valley civilization which is from महाराष्ट्र। ये bulls हैं, chariot है and many more। okay. तो इंटरेस्टिंग इमेजेस फ्रॉम जैन तीर्थंकर, बुद्धा, बौद्धिसत्व एंड हिंदू डेटीज हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो हमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में इतने सारे टाइप्स के रिलीजन्स के हमें स्कल्पचर्स मिले जो कि बिलोंग करते थे कुशाना, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड्स में, ठीक है। और ये कौन सी सेंचुरी में थे, 2nd century से 7th century AD में, है ना। और जिस प्रोसेस से ये सारे स्टैचूज स्कल्पचर्स बनाए जाते थे वो प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू की जाती है। मैनी अदर रिमार्केबल ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैव बीन कास्ट इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग चोला एंड पलवा पीरियड। तो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल, जो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल स्कल्पचर्स थे वो साउथ इंडिया में बनाए गए थे चोला और पल्लवा पीरियड में, 7th century से लेके 12th century तक, जो कि थे जो इंक्लूड करते हैं नटराजा और देवी उमा के फिगर्स को। तो अब हम एक अच्छे से पढ़ेंगे देवी नटराजा और उमा, देवी उमा और नटराजा के स्कल्पचर्स को। बट बिफोर दैट हम लोग एक बार ये पढ़ लेते हैं कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या होती है, जिसके थ्रू हम लोग जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो स्कल्पचर मेकर्स हैं वो कैसे स्कल्पचर बनाते थे। तो द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स और स्कल्पचर्स फ्रॉम मेटल, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेटल से बनाए जाते थे। दिस टेक्निक इज़ यूज ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बट स्लाइटली डिफरेंट और मैथड्स कास्टिंग इज़ यूज इन हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो टेक्निक थी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती थी फॉर मेकिंग द मेटल के स्कल्पचर्स, बट थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस होती थी स्लाइटली इन एवरी स्टेट। तो हाँ, देयर आर सेवरल स्टेप्स टू मेक एन आइडियल और स्कल्पचर बाय मॉडर्न मेटल्स। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैक्स मॉडल ऑफ एन इमेज इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन आर्टिस्ट, एंड सबसे पहले एक वैक्स का मॉडल बनाया जाता था, और वो जो वैक्स है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्रिक डस्ट से और क्ले से बनाया जाता था, जिनको इक्वली हम लोग मिक्स करके वैक्स बनाते थे, ठीक है। तो ये जो वैक्स मॉडल है वो प्रिपेयर किया जाता था। आफ्टर कंप्लीटिंग द इमेज इट इज़ कवर्ड विद अ थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट, जो कि मैंने बताया आपको क्ले, ब्रिक डस्ट और पेस्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती थी, है ना। ऐसे हम लोग करते थे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले एक मॉडल बना देते हैं, देन उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब थिक लेयर कोट करते थे, फिर उस मॉडल को निकाल लेते थे, फिर मेटल को जो है मेल्ट करके उस मोल्ड में डालते थे, और फिर जब वो मेटल सॉलिड हो जाता था तब उसको निकाल लेते थे
और वो हमारा बन जाता था स्कल्पचर। तो ऐसे ये जो होती है वैक्स लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होती है जिसके थ्रू स्कल्पचर्स बनते थे। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख सकते हो। उसके बाद जब वो अपना स्कल्पचर बन जाता था उसको फिनिशिंग देते थे एंड दैट्स इट। ओके ओके, तो स्टडी ऑफ इंडियन ब्रॉन्ज, अब हम पढ़ेंगे एक एक स्कल्पचर को अच्छे से। सो इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग चोला एंड पल्लवा पीरियड मैनी आइडल्स आर स्कल्पचर्स ऑफ उमा एंड राजा वर कास्ट। ओके, द इमेजेस ऑफ दिस पीरियड हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर इन विच नटराजा एंड देवी उमा ऑफ चोला पीरियड हैव बीन सिलेक्टेड फॉर स्टडी। वेरियस टाइप के रिमार्केबल स्कल्पचर्स है वहाँ पे, लेकिन हम लोग ने देवी उमा और नटराजा को हमने चूज़ किया है फॉर द स्टडी। तो सबसे पहले हम नटराजा को पढ़ेंगे, ये चोला पीरियड का है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे हैं, तंजावर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है, 12th century AD है और ये कलेक्टेड है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इन दिस स्कल्पचर शिवा हैज़ बीन शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग एंड सप्रेसिंग द अपस्मारा ऑन हिज राइट लेग, ठीक है। तो लेफ्ट लेग, इसमें हमें शिव का स्कल्पचर दिखाया गया है, हु इज़ बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग एंड सप्रेसिंग द अपस्मारा ऑन हिज राइट लेग। ओके, तो ये जो पोस्चर है इसको अपस्मारा पोस्चर कहते हैं, ठीक है। द डेमोन ऑफ इग्नोरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस विद द सेम लेग, एट द सेम टाइम ही रेज्ड हिज लेफ्ट लेग इन त्रस्ता स्टैंस विच रिप्रेजेंट तिरुभव। ये भुजंग अस्त्र है जो रिप्रेजेंट करता है तिरुभव, ठीक है। एंड विच इज किंग अवे द व्हील ऑफ माया और इल्यूजन, ठीक है। हिज फोम्स आर आउटस्ट्रेच्ड एंड द मेन राइट हैंड इज पोज्ड इन अभयहस्ता। तो यहाँ पे जो राइट हैंड है वो अभयहस्ता में है पोस्चर में, और ये जो लेफ्ट हैंड है वो दुलहस्ता में है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कनेक्ट्स विद अभयहस्ता ऑफ राइट हैंड। ओके, एंड फिर इस स्कल्पचर में ये रिंग है जो कि फ्लेम्स ऑफ फायर शो करती है, एंड ठीक है। एंड ये जो शिव हैं यहाँ पे तांडव कर रहे हैं, ओके और ये जो भी है इनकी हेयर लॉक्स हैं, ओके। तो ये था हमारा स्कल्पचर नटराजा विजय ऑफ चोला पीरियड। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट स्कल्पचर विच इज़ देवी उमा ऑफ चोला पीरियड। सो देवी उमा इज पार्वती एक्चुअली विच इज़ शोन इन द स्कल्पचर वाइफ ऑफ शिव। नाउ शी इज़ अडॉर्न्ड विद वेरियस ऑर्नामेंट्स एंड शी इज़ स्लाइटली बेंड एंड शी इज़ स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट शी इज़ होल्डिंग अ फ्लावर और साई इट स्टाइल टू से समथिंग और टू ट्राई समवन टू अंडरस्टैंड एंड दिस आइडियल इज़ ऑफ चोला पीरियड। मैनी अदर फिगर्स वर ऑल्सो कास्ट इन दिस पल्लवा पीरियड एंड चालुक्यास बट वी हैव स्टडीड ओनली टू विच इज़ नटराजा एंड देवी उमा। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। द हिस्ट्री ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स गो बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड डांसिंग गर्ल चैरियट बुल ऑल ऑफ दीज। ओके, मैनी ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ जैन तीर्थंकर्स बुद्धा बोधिसत्व एंड हिंदू डेटीज हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विच बिलोंग्स टू कुशन गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑल ऑफ दीज। मैनी रिमार्केबल ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैव बीन कास्टेड इन साउथ इंडिया लाइक नटराजा एंड देवी उमा ड्यूरिंग। सो इसका आंसर है चोला एंड पल्लवा पीरियड, तो ऑप्शन डी होगा बोथ ए एंड बी। द वर्ल्ड फेमस जेस्चर ऑफ लॉर्ड शिव इन नटराजा स्कल्पचर हिज हैंड्स पोस्चर्स आर इन अभयहस्त दुलहस्त एंड डमरूहस्त ऑल ऑफ दीज। ओके, एक उनका जो राइट हैंड है वो अभयहस्त में है, लेफ्ट हैंड दुलहस्त में है, और दूसरा जो उनका एक और हाथ है वो डमरूहस्त में, तो ऑल ऑफ दीज। द स्कल्पचर ऑफ देवी उमा ऑफ चोला पीरियड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइफ ऑफ शिव। ओके ओके डन। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ देवी उमा, हियर यू हैव टू एक्सप्लेन द देवी उमा स्कल्पचर एंड इन हिस्ट्री विच पीरियड इज कंसिडर्ड एट द एज द गोल्डन पीरियड। सो द पीरियड बिटवीन लाइक द चोला पीरियड कोशना पीरियड गुप्ता पीरियड दे वर कंसिडर्ड एज गोल्डन पीरियड बिकॉज इन दैट पीरियड मैनी ऑफ द रिमार्केबल स्ट्रक्चर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वर क्रिएटेड। देन वॉट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्ट एंड वेयर इट हैज एंडेड।
On which subject matter have the bronze sculptures have been made in India? So you can give the answer of this as well. Explain the theme of the sculpture Nataraja. So you can explain the whole Nataraja sculpture. Then the lost wax process is related to metal casting. Okay, the first ka two hai. Nataraja is a bronze sculpture related to Lord Shiva. So second ka three hai. Devahuma is a bronze sculpture related to goddess Parvati. Third ka fourth hai. And the oldest bronze sculpture is Dansingal. So fourth ka one hai. So that's it for this video. And in the next video, we're going to start some artistic aspects of Indo-Islamic architecture. Till then, take care, bye-bye, and have a nice day. And if you like the video, then give it a thumbs up. And also subscribe to the channel. Bye-bye.